तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप वे चैट एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और अकाउंट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा आता है इनवैलिड फ़ोन नंबर्स। ठीक है, तो ये अलग अलग लोगों को ये दिक्कत आ रही है, जहाँ पर वे चैट के अंदर ही ये इस तरह की प्रॉब्लम आती है। बेसिकली नंबर तो सही डाले हुए हैं बट यहाँ पर फिर भी जो है इनवैलिड फ़ोन नंबर बता रहा है। तो क्यों ये प्रॉब्लम आती है, सॉल्यूशन क्या है, वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो अगर इनवैलिड फ़ोन नंबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने जो नंबर डाला है वो एक तो गलत है, दूसरा सिचुएशन में नंबर यहाँ से ज़्यादातर गलत नहीं होता, आपका जो कंट्री कोड है वो यहाँ पर पकड़ नहीं पाता है। ठीक है, हमें यहाँ पर कंट्री कोड डालना होता है। और देखिए, वे चैट का क्या है कि इंडिया के अंदर ये लगभग लगभग बंद होने को है, तो इंडिया के अंदर वे चैट लगभग जो है, अगर आप इंडियन नंबर डालते हैं तो ये लगभग मतलब काम करना बंद कर जाता है। ठीक है, तो आप उस सिचुएशन में यहाँ पर एक बार तो प्ले स्टोर पर आइए और वहाँ पर चेक कीजिए आपके प्ले स्टोर में वे चैट ऐप को दिखा रहा है क्या। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जैसे हम वे चैट सर्च करते हैं बट यहाँ पर वे चैट ऐप भी नहीं आता और ऊपर लिखा भी है दिस ऐप इज़न्ट अवेलेबल, मतलब वे चैट इंडिया से बैन हो चुका है, वे चैट इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है। इस सिचुएशन में, इस केस में, इंडिया के जो कोई भी फ़ोन नंबर हो इंडिया का, वो वे चैट पर अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकता या फिर अकाउंट नहीं बना सकता। ठीक है, तो अब काफ़ी सारे लोगों का क्या है कि वे चैट उनके फ़ोन में ऑलरेडी आया हुआ है, मतलब उनके फ़ोन में ये बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम ऐप के थ्रू आया है, तो आप उसका यूज़ नहीं कर सकते, वो किसी काम का एप्लीकेशन नहीं, आप उसे अनइंस्टॉल वगैरह कर सकते। ठीक है, क्योंकि वे चैट इंडिया से बैन हो चुका है और इस सिचुएशन में आप इसका यूज़ इंडिया में नहीं कर सकते। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो यहाँ पर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।